रूपकला, और यहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन है साड़ियों का, चनिया चोली और लहंगास का। मज़ा ही आ जाएगा, आप आओगे ना तो आप मतलब रह नहीं सकते कि कुछ ना खरीदो, कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर लेके जाएंगे। हमें कुछ भी नहीं लेना था पर हमने फिर भी यहाँ से 3 साड़ियाँ ले ली हैं, और बहुत अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, ठीक है। वो भी कोई अहमदाबाद में रहता है आश्रम रोड के पास, ये रूपकला ऑपोजिट आसो पालव, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इनके पास, ज़रूर आइए। तो इससे पहली वाली क्लिप में आपने देखा कि हम अहमदाबाद में हैं, और यहाँ पर इस रूपकला शॉप में ना लेनिन की और जो है हैंडलूम की जो साड़ियाँ होती है ना कॉटन की हल्की हल्की वाली, वो बहुत अच्छी, क्योंकि मुझे वही साड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है, मुझे हैवी नहीं पहनना पसंद है उतना, तो मुझे यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा। और अगर आपकी भी चॉइस मेरे जैसी है तो आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, और कलेक्शन यहाँ का बहुत अच्छा लगेगा, और प्राइजेस भी बहुत अच्छे हैं, बजट फ्रेंडली है। तो ये अंकल जो है ना आगे वाली क्लिप में, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें कलेक्शन दिखाया। अहमदाबाद से अशोक भाई बोल रहा हूँ। ये सब साड़ियाँ राजकोट का ट्रेडिशनल जो पटोला आता है सेमी सिल्क में, वो सब है। और इनकी जो रेंज है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, जो कि गुजरात का फेमस है, पटोला प्रिंट, अजरक प्रिंट और क्या था, बंदेज। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में देखिए, और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। और हमें यहाँ चाय भी मिली है, ये मेरा भाई है। लो लो लो, चाय गर्म करवा रहे हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू। हम आ गए हैं कुछ खाने पीने के लिए, बहुत भूख लगी थी। किया है उत्तपम, मसाला उत्तपम, खाना स्टार्ट भी कर दिया है, और हमारा बीबी की चीज़ सैंडविच। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ स्मिता सिंह। और आप सबको पता है जैसे कि मैं इंडिया आई हुई हूँ और अभी मैं भोपाल में हूँ, और इससे पहले जो आपने क्लिप देखी वो अहमदाबाद की क्लिप थी। तो अहमदाबाद में शॉपिंग करने के लिए जो हम गए थे तो स्टोर्स की पहले करी थी, और उसके बाद हम लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए गए थे, जो कि है लॉ गार्डन। वो वहाँ की चनिया चोली और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के लिए ही फेमस है। तो वहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से फुटेज निकाली थी और अच्छे से शूटिंग की थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मार्केट कैसा दिखता है। बट मुझसे वो पूरी फुटेज डिलीट हो गई और गलती से, एंड वो पूरा कंटेंट मेरा चला गया। तो अब इसके आगे ये बताना आपको ज़रूरी था ताकि आपको समझ में आए कि मैंने किसके बाद क्या किया। तो इसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, और अब से जो आप वीडियो देखेंगे वो नेक्स्ट डे की होंगी, मतलब जो अहमदाबाद वाला दिन था जो पूरा प्रॉपर, उसका कुछ फुटेज लॉ गार्डन का चला गया, स्टोर्स वाली हैं। बट उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं वडोदरा के लिए उस दिन ब्रेकफास्ट वगैरह करके, तो वो सब आपको अब आगे की फुटेज में दिखेगा, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग वडोदरा भी जाएंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी वगैरह, तो वो सब आपको देखने मिलेगा। वो फुटेज डिलीट हो गई, बट मैंने आप लोगों के लिए हॉल मैंने ऑलरेडी एडिट बना के रखा हुआ है, एडिट करके रखा हुआ है, तो जो भी मैंने शॉपिंग करी है वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो हाँ, बस यही बताना था कि गलती हो गई, कंटेंट चला गया मेरा, और आपको समझ में आए कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच इतने सब्सक्राइबर्स देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड बाय बाय। We came here for the breakfast. So yeah, look at the view. This is brown bread and white bread, marmalade and jam. And this is roti gota, samosa, alu bhanda. Chips. And these are the achars and the desi bharni. And here we have dhokla and patra. And upma, lots of Indian breakfast, and I think this is pongal. Okay, yeah, pongal. And we have idli, rice, sambar, and paneer,
भाजी, पाव भाजी एंड दे हैव ओट्स एंड दे हैव टी बी केयरफुल बेक्ड बीन्स एंड सॉटेड कॉर्न एंड ग्रिल्ड एंड चीज टोमेटोज. These are the pickled onions and pickled olives and for a lassi. And we have seamless croissant and multigrain croissant, boiled eggs, chicken sausages and chicken salami as well. And here we have banana tea cake. मुझे भी दिखा दो भाई, थोड़ा मुझे भी दिखा दो. सॉरी. यहाँ पे डैनिश पेस्ट्री और ये सब मॉफिन counter for omelets and they have carrot juice and fresh watermelon and Gujarat hai gadhia phafla nahi khaya to kya ye phafla gadhia and they have cold coffee right and Tarasha you are eating just sweets huh why and fruits carrot juice. Yum. कल हम लोग पूरा दिन बाहर ही निकल गए. इस प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए और ये बहुत अच्छा होटल है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है. तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ आए हुए हैं. ये लोग सब बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं और मैंने सोचा मैं थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है. एंड दिस इज़ जस्ट अमेजिंग. और मेरे बेबी हेयर्स देखो, इनको कितना भी चिपका लो यार, कितना भी चिपका लो उठ ही जाते हैं. एंड लुक एट दिस द व्यू. यहाँ से ना आपको पूरा अहमदाबाद दिखेगा. ओ हेलो वर्किंग आउट. अभी वी विल मिस दिस रूम, ऑल दो हमने इसकी ऐसी तैसी कर दी है, बट वी विल मिस दिस रूम. दिस रूम इज सो अमेजिंग. लुक एट द बाथ टब. मज़ा आ गया. बाय 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 बाय. तो हम लोग सेटल इन हो गए हैं और निकल गए हैं बड़ौदा के लिए और वहाँ पर पहुँच के हम पहले चेक इन करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ खा पी के और उसके बाद जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए. और हाँ बस सब जैसे तैसे घुस गए हैं कार में. चलो फिर वहाँ जाके आपसे मिलते हैं. तो हे गाइस, तो हम पहुँच गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बड़ौदा से कुछ और यहाँ पर हमने चेक इन कर लिया होटल में. सो दिस इज आवर रूम. ये फैमिली रूम है, दो बेड, दो डबल बेड्स दे रखे हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी ह्यूज कबर्ड है. ओह माय गॉड, इसके अंदर भी सो सकती है तराशा. तराशा तुम यहाँ पे भी सो सकती हो. नहीं सोऊंगी, देखो सेफ भी. सेफ भी है यहाँ पर. जार भी है, दो जार. हाँ. खाली पड़ी हो रही है. खाली खाली खाली. और यहाँ पर नहीं 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 चार लोग हैं तो दो डबल बेड्स दे रखे हैं और अच्छा नाइस कोजी सा बेड है. और फिर यहाँ पर टीवी है और ये कॉफी स्टेशन दे रखा है यहाँ पर. और फिर यहाँ पर है बड़ा सा मिरर. यहाँ पर हम करेंगे अपना मेकअप और उसके बाद शिट क्रेजी. उसके बाद वॉशरूम है, सिंपल सा बेसिक सा वॉशरूम है. तो ये है सीनिक व्यू.